हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 8 बजे से, और आज दिन है सैटरडे और कल फ्राइडे था, तो मैंने कल अपना व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। जैसे कि मैंने आपको थर्सडे वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं शॉपिंग वगैरह करने गई थी, तो उसके बाद में बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं शादी के घर में, जैसे कि आपको सबको पता है कि क्या क्या काम होते हैं। मुझे कल टेलर के पास जाना था और बहुत सारे काम थे, वो मैंने कल कंप्लीट किए हैं। और कल जो मेरा दिन था वो पूरा बाजी के पास ही गुजरा है, पूरा दिन मैं बाजी के पास ही थी क्योंकि वहीं पर मुझे सारी तैयारियां करनी थी। शादी के बाद तो दुल्हन यहाँ पर आएगी, लेकिन जो शादी से पहले की तैयारियाँ हैं वो हम बाजी के घर से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बाजी हैं, भाईजान हैं, तो वो मेरे सपोर्ट में आ जाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हिमाद के पापा के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे वहीं पर जाकर अपनी तैयारियाँ करनी थी। तो कल मैं पूरा दिन वहीं पर थी और अभी मैं यहाँ पर एग भुर्जी बना रही हूँ मेरे देवर के लिए, क्योंकि कल रात जो है वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे और रात यहीं पर रुक गए थे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर एग भुर्जी बनाई है। बस मैं रोटी बनाऊँगी थोड़ी सी, उसके बाद मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। तो चलिए बस मैं सारा ये जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे फ्रेश होने के बाद आराम से बैठकर बात करती हूँ। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फैन ऑफ कर देती हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्या कह रही थी मैं, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी में हूँ, इतनी गड़बड़ी में हूँ कि बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे 15 मिनट्स मिले हैं कि मैं आपसे बात करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ। क्योंकि मैं अभी भाई साहब का इंतज़ार कर रही थी, उनके साथ मैं जाऊँगी मेरी ननन के पास में, क्योंकि अभी जो शादी का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारी शॉपिंग है जो मुझे करनी है, और उसके बाद कपड़ों की पैकिंग वगैरह करनी है और हल्दी की तैयारियाँ करनी है, तो बस वही सब करने के लिए मैं बाजी के पास जा रही हूँ। देखते हैं क्या क्या होता है। और कुछ नहीं, बस नाश्ता मेरा अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने एक कप चाय पी है। मैं और थोड़ी एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद बाहर जाते वक्त मैं कुछ नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कल रात को मैं बहुत लेट आई थी, रात के 12:30 या फिर 1 बजे के करीब मैं आई थी, और उसके बाद जो ना खाना तो मैं वहीं से खाकर आ गई थी और मैंने कुछ बनाया नहीं था। हिमाद के पापा भी खाना खाकर सो गए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, और नाश्ता तो मैं बाहर से ही करूँगी। और जो शादी की तैयारियाँ हैं उसमें कल मैंने बताया कि हमने लहंगा, चूड़ी और जो भी मेकअप का सामान वगैरह है सब हमने ले लिया है। आज हमको ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है और प्लस कुछ कपड़े लेने हैं दुल्हन के, और हिमाद के भी कपड़े लेना है मुझे, मेरे कपड़े लेना है, हिमाद के पापा के कपड़े लेना है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन पता नहीं आज के दिन में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो जितने भी काम हैं ना वो मुझे आज ही कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, क्योंकि कल जो है ना मुझे जो घर का हाल हो रहा है ना इन सबको क्लियर करना है, जो हमारा हॉल है उसको कलर करना है। अभी सोचा तो है कि इसको हम कलर करेंगे, लेकिन देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। तो चलिए बस मैं थोड़ी सी चाय बनाकर पी लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा बाजी के घर पर और मैं आपसे सीधा वहीं पर मिलती हूँ। आई डोंट नो आपसे मैं फेस टू फेस बात कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो भी है मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये वाला जो, और मैंने ये वाली चूड़ी भी पहनी है जो मैंने उस टाइम पर लिया था ना, पता नहीं मैंने कब लिया था, परसों ही लिया है, आपके सामने ही लिया है, तो वो ड्रेस मैंने सिला लिया था, तो मैंने अभी वो पहन लिया है। तो चलिए बस चाय बना लेती हूँ। और घर ना बहुत गंदा हो रहा है, सारा काम हो गया और देख रही कपड़े जो है ना पड़े हुए हैं, क्योंकि कल मैं चली गई थी, जल्दी और मैं आ भी नहीं पाई रात को जल्दी से, तो जो कपड़े मैंने सारे धोकर डाल दिए थे कल बारिश की वजह से ना, सारे मेरे आने तक भीग गए हैं, तो मैंने फिर से उनको डाल दिए हैं और अभी फिर से जा रही हूँ, पता नहीं और क्या होगा, आने तक सूखेंगे या फिर से भीग जाएंगे, चलिए देखते हैं। और ये ड्रेस कैसे लगा आपको बताना ज़रूर, मुझे तो माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पर अपनी चाय बना रही हूँ,
क्योंकि बाहर जाने से पहले जो है ना मुझे चाय पीना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ मुझे बाहर जाने के बाद में चाय की तलब होती है। वो बोलते हैं ना क्रेविंग होती है, वैसे क्रेविंग होती है मुझे, दिल करता है कि चाय ही पीती रहूं। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है अपनी, और मुझे भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ। वैसे घर में कुछ था नहीं अभी खाने के लिए, अंडा वगैरह था लेकिन मुझे अंडा वगैरह पसंद नहीं आता है। मैंने पहले भी बताया है कि मैं अंडा जो है ना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो हिमाद के लिए तो मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, हिमाद को अंडा खिला दिया था, और अभी जो है ना 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है कि मेरे घर में ना खाना नहीं बन रहा है। या तो मैं बाहर खाकर आ रही हूँ या फिर मैं बाजी के पास खाकर आ रही हूँ। तो कल रात भी यही हुआ था, मैं बाजी के पास खाकर आ गई थी और हिमाद के पापा जो है ना घर में दाल चावल बनाकर उन्होंने खा लिए थे। तो अभी जो है ना चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर बैंक में आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था बैंक में। उसके बाद भाई साहब के साथ मैं चली गई थी मार्केट। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट में। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना दुल्हन का ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, और ये जो पिंक ड्रेस है ना, ये ड्रेस मैंने लिया था लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पहले मैंने दूसरा पीच कलर का ड्रेस लिया था, उसमें जो है ना डैमेज निकला, तो फिर बाद में से मैंने उसको रिटर्न करा कर ये वाला जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये वाला ड्रेस मैंने बाद में लिया था। अभी मैंने ये वाला ड्रेस नहीं लिया था, अभी मैंने लिया था पीच कलर का ड्रेस। वो यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि जब मैंने ये ड्रेस ख़रीदा ना तब मेरा कैमरा ऑफ था, तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। लेकिन बाद में मैंने रिटर्न में ये वाला ड्रेस लिया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग दुल्हन के ड्रेसेस ले रहे हैं, जैसे कि हमने जो थर्सडे वाला व्लॉग था उसमें हमने दुल्हन का लहंगा वगैरह लिया था, और जो जोड़े में जाने वाले कपड़े हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये है बाजी का ब्लैक ड्रेस। वैसे बाजी ने ना ये रेड कलर का ड्रेस चूज़ किया था, ऐसा जो ब्लैक है उसी में एक कलर था रेड कलर। तो बाजी मुझे वही पूछ रही हैं कि ये अच्छा लगेगा क्या। मैंने ही बाजी को बोला कि आप ब्लैक ले लो, रेड वाला अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत कॉमन हो जाता है। तो मैंने उसको मना कर दिया था कि बाजी आप वो मत लेना। तो बाजी मुझे यही पूछ रही थी कि ये वाला अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे थे मेरे लिए ड्रेस देखने के लिए। दुल्हन के लिए हमने 4-5 ड्रेस ले लिए हैं और वो हमने साइड में कर दिए थे। तो बस हम लोग अपने लिए ड्रेस देख रहे थे, और यहाँ पर बाजी ये बोल रही थी कि ये वाला ड्रेस तुम रखना, क्रीम वाला। लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि काम वगैरह ज़्यादा होता है, तो इतना लाइट ड्रेस मैं अभी नहीं पहन सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस नहीं लिया है, और हमने दुल्हन के लिए ये लिया है, येलो वाला एक ड्रेस लिया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये एक ड्रेस है, ये है गरारा, और ये है एक ग्रे कलर का ड्रेस कॉटन में है, और एक है ग्रीन कलर का ड्रेस, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये सारे ड्रेसेस हमारी चॉइस के ही हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे ज्वेलरी की दुकान में। वैसे तो दुल्हन की जो ज्वेलरी है वो पहले से ही बनाकर रख लिया था, लेकिन जो मेहर की ज्वेलरी है वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। जो मेहर में बात हुई थी, अभी दूल्हे का कहना है कि वो दुल्हन को कुछ चीज़ बनाकर दे देंगे, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ठीक है, हम लोग इसकी जो मेहर की रकम है उसकी हम कोई गले में पहनने के लिए बनाकर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर वही देख रहे थे पत्ता मनके। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में पत्ता और मनके चलते हैं, आई डोंट नो आपके पास चलते हैं या नहीं चलते हैं, जो भी देख रहे हैं बताना ज़रूर। तो मैंने वहाँ पर पत्ता और मनके हम लोगों ने लिए थे, उसके बाद हमने उसको गठा लिया था। तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हमने कैसे उसको गठाया है। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे, तो मैंने बाजी से बोला कि पहले हम दुल्हन के कपड़ों की पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे घर भी जाना था तो मुझे ये काम करना ज़रूरी था। क्योंकि आज मैंने सोच कर रखा था कि जो जो काम मैंने सोचे हैं अगर मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरा जो काम है इम्पॉर्टेंट काम वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर दुल्हन के कपड़ों की पैकिंग करने के लिए बैठ गई थी, और जो मेरी भांजी हैं वो मेरी हेल्प कर रही थी इसमें। मेरी एक भांजी जो है ना मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो मुझे कपड़ों को फोल्ड करने में और अच्छे से पैक करने में मेरी मदद कर रही हैं, और मेरी जो दूसरी वाली भांजी है वो पकड़ कर बैठी हैं मोबाइल। मैंने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया था कि तुम रिकॉर्डिंग करना, हम लोग पैकिंग करेंगे। तो वही सब यहाँ पर चल रहा है। और ये जो ग्रीन ड्रेस है ये हमने अभी भी लिया है, मैंने आपको बताया है वहाँ पर दुकान में। तो ये वाला ड्रेस मैं पैक कर रही हूँ, सारे ड्रेसेस को हमको अच्छे से पैक करना है। और हमने जो है ना ड्रेसेस में कोई भी क्या कहते हैं उसको काटा रबर वगैरह कुछ नहीं डाला है, हम लोगों ने सिर्फ इसको सीधा सादा पैक कर दिया है। तो अभी जो काटे रबर चुमटे जो भी है ना वो हम उसको अलग से पैक कर देंगे, हमने सिर्फ इसको सीधा सीधा पैक कर दिया है। और दुल्हन को जो कपड़े जा रहे हैं वो हमारी तरफ से हैं टोटल 11 जोड़े।
तो मैं यहाँ पर जो दुल्हन के कपड़ों में आई हुई स्टिकर है, जो प्राइस स्टिकर थी, वो यहाँ पर निकाल रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम इस तरह से प्राइस स्टिकर वगैरह डाल कर दें। वैसे तो हमारी कोशिश थी कि हम सारे ड्रेसेस को सी कर दें, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने ऐसे ही डाल दिया है। शादी के बाद इंशाल्लाह हम लोग सारे ड्रेसेस को सिल देंगे। तो बस चलिए पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम आराम से बैठकर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें दुल्हन को जाने वाली हैं। और यहाँ पर जो है ना, कैमरा मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा हिल रहा है, क्योंकि ट्राइपॉड पर रखने की बात अलग होती है, और अगर कोई कैमरा बैठकर हाथ में पकड़ता है तो कैमरा ऑब्वियसली हिलता ही है। और ये है एक अनदर मेरा फेवरेट ड्रेस, जो कि है येलो कलर का, और इसका जो डिज़ाइन है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने आपको खोलकर बताया नहीं है, जो इसके गले के पास में जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, वैसा इसके पीछे साइड में डिज़ाइन है। मुझे भी ऐसे वाला ही एक ड्रेस चाहिए था, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो बाजी और भाईजान बोल रहे थे कि तुम यही ड्रेस ले लो, हम दुल्हन को कोई और चॉइस कर लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हम लोग इतने ख्वाहिश से ले रहे हैं दुल्हन के लिए और बाद में कोई और चॉइस कर लेगा तो ये अच्छी बात भी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने दूसरा वाला ड्रेस चॉइस करके ले लिया है, लेकिन उसमें भी डैमेज आ गया है, तो मैं उसको जाकर एक्सचेंज करा लूँगी। और मैंने आपको बताया, जो पिंक वाला ड्रेस एक्सचेंज करा कर मैंने वही ड्रेस लिया था। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं वो ड्रेस एक्सचेंज करा कर आ चुकी हूँ। तो इसको मैंने दुपट्टे को गले के साइड में डाला था, क्योंकि जो गले के जगह पे खुला हुआ जगह था ना, गले की जगह पर, तो उसको मैंने फिल कर दिया इस तरह से, तो वो और अच्छा लग रहा था। और आप देख रहे हैं कि मेरी जो भांजी है वो मेरी बहुत अच्छे से मेरी मदद कर रही हैं, क्योंकि ये सब कामों में ना अकेले नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पता है ये सब काम मैं कर चुकी हूँ, तो अकेले जब करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, और अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए बैठ जाता है ना, तो वही काम बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही हुआ है, मेरी भांजी जो है ना वो मेरे साथ लगी हुई थी, तो मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी हो गया, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता मुझे पैकिंग करने में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि थर्माकोल डालने में मैं इतनी कंजूसी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थर्माकोल लाना मैं भूल गई, भूल नहीं गई, एक्चुअली में ये हुआ कि मैं जो है ना स्टेशनरी शॉप में गई और मैं थर्माकोल ले रही थी, तो मेरे भांजे ने बोला कि मुझे मुमानी मेरे पास बहुत सारे थर्माकोल हैं, मैं आपको दे दूँगा, मेरे पास 12 पैकेट रखे हुए हैं। और घर पर आकर जब मैंने देखा ना, जब मैं पैकिंग करने के लिए बैठी थी, तो इतू से थर्माकोल थे मेरे भांजे के पास में, तो मैंने बोला कि जाने दो, अभी थर्माकोल नहीं डालूंगी मैं। वैसे भी जब हम ड्रेसेस में थर्माकोल डालते हैं ना, तो जब जब हम इसको खोलते हैं तब तब सारा घर गंदा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, तो जो कपड़ों में थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी और अच्छे भी लगेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रेसेस को टाके लगा रही हूँ, जो सिल्क वगैरह की ड्रेसेस हैं ना, इनकी जो तय है वो अच्छे से नहीं बैठती है, ये अच्छे से फोल्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने इनमें एक आध टाके लगा दिए हैं, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और देखने में भी अच्छे लगें। तो ये जो ड्रेस है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। हम लोगों ने बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे थे जो हम लोगों ने निकाल दिए थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, लास्ट एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी में मैं क्यों अपने ननंद के घर पर गई थी, बाजी के घर पर मैं गई थी, आई बटन में मैं आपको दे दूँगी, जब मैंने आपको बोला था, तो वहाँ पर मैंने बताया भी था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो प्रॉब्लम यही थी कि जो दुल्हन के ड्रेसेस आए हुए थे वो हमारे भाई साहब ने दिए थे, यानी कि मेरे जेठ ने, तो उन्होंने जो ड्रेसेस दिए थे ना, उसमें से बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे थे जो हम दुल्हन को नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने जब ड्रेसेस लाकर दिए, तो बाजी ने मुझे फ़ोन किया था कि समरीन तुम आकर देख लेना, जितने भी ड्रेसेस हैं ना वो सारे दुल्हन को डालने के काबिल के नहीं हैं।
तो इसीलिए जो है ना मैं इमरजेंसी में चली गई थी वहाँ पर, उसके बाद मैं देखकर आ गई थी और मैंने बाजी को यही बोला था कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे शादी के करीब हम लोग थोड़े बहुत ड्रेसेस ले लेंगे ताकि हमें 11 जोड़े कंप्लीट हो जाएं और उसमें से भी हम छाँट कर ले लेंगे, जो ड्रेसेस हमको अच्छे लगेंगे वही ड्रेसेस हम डालेंगे। और उन सब ड्रेसेस में से एक ड्रेस ये भी है और वो अभी मैंने जो पैक किया वो वाला एक ड्रेस था, बस हमने दो ड्रेस उन सब ड्रेसों में से निकाले हैं, बाकी सब हमने रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि वो दुल्हन के पहनने के काबिल नहीं थे। वो सारे जो चिकन के ड्रेसेस आते थे ना पहले, पुराने कॉटन के और चिकन के ड्रेसेस होते थे वैसे ड्रेसेस थे, तो हम लोगों ने सारे उसको रिजेक्ट कर दिया है। इंशाल्लाह किसी को देने के काम में आ जाएंगे लेकिन हम दुल्हन को नहीं डाल सकते, तो इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी में अभी ये ड्रेसेस ख़रीदे हैं जो हमने आज ख़रीदे हैं दुल्हन के ड्रेसेस। और ये जो दुपट्टा मैं फोल्ड कर रही हूँ ये है वलीमे का ड्रेस, माशाल्लाह ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, ऐसे देखने में नहीं लग रहा है लेकिन बहुत प्यारा है ये दुपट्टा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से फ़ोल्ड करूँ, तो बाजी ने मुझे इसका आइडिया दिया था कि तुम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना, तो चलिए मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे फ़ोल्ड किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। अब हम इसको एक और फोल्ड करके इसका एक छोटा फोल्ड भी बना सकते हैं और जब हम दिखाएंगे सबको तो हम इसको पूरा खोलकर दिखाएंगे तो पीछे से दुपट्टे का साइड भी दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसको पीछे के साइड से, ये देखिए इस तरह से ये पीछे से दिखेगा और सामने से जो गरारा है वो पूरा फुल दिखेगा। और माशाल्लाह इसके दुपट्टे की तो आप जितनी तारीफ़ करेंगे ना उतनी कम है, कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन ये माशाल्लाह बहुत 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 प्यारा दुपट्टा है। ये जो इसका सारा सेट है वो भी बहुत प्यारा है लेकिन दुपट्टा सब में अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सारे जो दुल्हन को जाने वाले जोड़े हैं, ये जो मेकअप का सामान मैंने लिया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कांटे हैं, रबर है इसमें, फेयर एंड लवली है और सारा मेकअप का सामान है, काजल, लिपस्टिक, लाइनर सब है इसके अंदर। और मैं आपको आगे ज्वेलरी भी दिखाऊँगी जो ज्वेलरी जाने वाली है दुल्हन को। और यहाँ पर ये जो एक ब्लू कलर की साड़ी है वो है यहाँ पर, और ये है नेकलेस का सेट, और यहाँ पर है दुल्हन का लहंगा जो सी के आ चुका है। दुल्हन का लहंगा मैं परसों गई थी सिलाने के लिए, जिस दिन हमने लिया था उसी दिन हमने सिलने के लिए डाल दिया था और एक दिन में दुल्हन का लहंगा सिलकर आ गया है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका दुपट्टा आप देखिए, माशाल्लाह से दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। और ये देखिए ये है वो चंपा चूड़ी जो मैंने आपको कल नहीं दिखाई थी, और ये है पूरा सेट। और ये जो ग्रीन चूड़ी है ना इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं चंपा चूड़ी, जो मैंने एक डज़न ली थी। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पर इसके लटकन दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह ये सेट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत प्यारा लग रहा है ये सेट माशाल्लाह से। और जो दुल्हन के गले का सेट है वो मैंने आपको यहाँ पर रख कर दिखाया है, सारे हाथ के वगैरह सब है इसमें। और ये है दुल्हन का पर्स, और यहाँ पर है दुल्हन की चप्पल, और ये सारे ड्रेसेस जो मैंने अभी पैक किए हैं, और कुछ इसमें कड़े रखे हुए हैं। और ये जो रेड चप्पल है वो दुल्हन की शादी की चप्पल है। और यहाँ पर ये जो सारे मैंने ड्रेस अभी पैक किए हैं वो वाले सारे ड्रेसेस यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है रेड वाला वलीमे का जोड़ा, और ये है वो येल्लो वाला ड्रेस मेरा फेवरेट वाला, और यहाँ पर रखे हुए हैं दूसरे ड्रेसेस। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये है साड़ी, और ज्वेलरी के बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है पत्ता और मनके जो हमने आज लिए हैं और उसको हमने गठा लिया था, तो लाइटिंग की वजह से वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बस इतना ही होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दुआ में याद रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।